हमारे पीछे देख सकते हैं कि आज उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव आए हैं और अखिलेश यादव से मिलने के लिए समाजवादी पार्टी के तमाम यहां पर कार्यकर्ता हैं और पुलिस के द्वारा सुरक्षा को लेकर बैरिकेडिंग की गई है। वहीं यहां पर कुछ नेता हैं, इसे बात करेंगे। तस्वीरों में देख सकते हैं यहाँ पर तमाम ये समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं और ये लोग अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर अंदर जाने की परमिशन नहीं है, जिस वजह से ये लोग अंदर नहीं जा पा रहे हैं। काजल निषाद जी हैं, ये काजल निषाद जी हैं जो जाने की कोशिश कर रहे हैं, जाने आ रही है। देखिए ये दुनिया सुनकर पूर्व विधायक हैं और काजल निषाद जी हैं, दो लोग को जाने दिया जाए और हम लोग अकेले जाएंगे। दो लोग विधायक हैं, ये हो गया आपका आदेश, जहाँ से आया वो भी मैं जान रहा हूँ की हताशा और निराशा है, सरकार की गुंडागर्दी है और कुछ नहीं है। सरकार के लोग जाएंगे, हम लोग नहीं जाएंगे। जो सपा समर्थक हैं, अखिलेश के लोग हैं, वो नहीं जाएंगे। योगी और मोदी के लोग जाएंगे, तो यही इनकी हताशा है, निराशा है। ये जान रहे हैं कि यही इनका अंत है, अब इनका अंत होने वाला है। इसी अंत के लिए भाई साहब अभी वेट कर रहे हैं, बस 6 महीने 8 महीने और कर ले, जो चाहे कर ले, इनका अंत यही होने वाला है। ये काजल निषाद जी हैं, इनसे बात करते हैं। क्यों आप लोग को रोका गया? देखिए हम शांतिपूर्ण सांत्वना देने जा रहे हैं। हम ये कह रहे हैं विधायक जी सिर्फ चले और हम चले, हम दो ही लोग सिर्फ पैदल जाना चाह रहे हैं, तो हमको पैदल भी रोका जा रहा है। हम ये नहीं कह रहे कि हम अपने समर्थकों के साथ चल रहे, हम ये नहीं कह रहे कि हम गाड़ी से जाना चाहते हैं, हम ये नहीं कह रहे कि हम चलो दुपहिया से या साइकिल से, हम सिर्फ पैदल ही जाना चाह रहे हैं, सांत्वना देने के लिए जाना चाह रहे हैं। वो भी हमें रोका दिया जा रहा है, रोका जा रहा है, हमें जाने नहीं दिया जा रहा है। बाकी सरकारी लोग कोई भी जाए, उनसे कोई मना नहीं है, बस हमें मना कर दिया जा रहा है। बताइए ये क्या है, ये तानाशाह है? क्यों मना किया जा रहा है? आप लोग हुजूम के साथ जा रहे हैं कि अकेले जा रहे हैं? अरे हम अकेले तो जाना चाह रहे हैं, मेरे भाई सम्मानित नेता है, हम लोग कोई उपद्रवी दंगाई नहीं है। दो ही लोग पैदल जाना चाह रहे हैं और ये हमें रोक रहे हैं। क्यों रोक रहे हैं इनसे पूछिए, यहीं खड़े हैं। क्योंकि धारा 144 लागे, उनके लिए परमिशन भी लिया गया। धारा 144 नहीं है, आप पैदल जा रहे हैं, हमारा चेकिंग हो जाए, देख लीजिए कोई हथियार तो हम लोग नहीं रखे हैं, चेक कर लो, जैसे एयरपोर्ट पे चेकिंग होता है चेक कर लो, हमें जाने दिया जाए, हम सिर्फ सांत्वना देने जा रहे हैं भाई। ये समाजवादी पार्टी के नेता काजल निषाद जिसे हमारी बात हो रही थी, और इनका कहना है कि हम लोगों को यहाँ जाने नहीं दिया जा रहा। वहीं सुरक्षा को लेकर तमाम जगहों पर रुद्रपुर के तरफ जाने वाली, चाहे वो गांव की पगडंडी हो या हाईवे हो, सभी रोड को बंद कर दिया गया है। वहीं तस्वीरों में भी देख लीजिए पीछे किस तरह से यहाँ पर समाजवादी पार्टी के तमाम नेता हैं, हर बैरिकेडिंग पर इसी तरह का नज़ारा आपको देखने को मिलेगा। वहीं काजल निषाद जी हैं, वो अभी यहाँ पर रुकना कहना है कि हम लोगों को जाया जाए, भेजा जाए, केवल हम लोग दो लोग जाएंगे, लेकिन पुलिस के द्वारा नहीं, उन्हें जाया दिया जा रहा है।